बजे को उधर वीडियो कॉल करने करें तब तक दिखाते हैं। हाँ यार दिखाने तो पहले हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे बनाने जा रहे हैं हम पिज्जा। जी हाँ, पहले मोजरेला चीज बनाया तो पिज्जा तो बनाना ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने 300 ग्राम के करीब मैदा ले लिया है और मैदे में क्या क्या डालना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे हमने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ले लिया है और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हमने बेकिंग सोडा लिया है, मीठा सोडा खाने वाला। ध्यान रखिएगा दोनों ही चीजें डालनी है। और थोड़ा सा नमक लिया है हमने, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। और यहाँ पे हम ले लेंगे दही, दही से ही हम इसे गूथेंगे। तो 2 चम्मच के करीब दही डाला है हमने। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, रूम टेम्परेचर में ही दही लेना है, दही खट्टा ना हो ये ध्यान रखिएगा। और इसे हम गूथ कर तैयार कर लेंगे, दही से ही गूथना है। अगर जरूरत पड़ेगा तो 2 से 3 चम्मच पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही कम पानी लगा है और 1 चम्मच के करीब तेल लगाकर इसे चिकना कर लेंगे अच्छे से और इसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो इस तरीके से हमें आटे को सेट कर लेना है और इसे ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो चलिए देसी ओवन में बनाना शुरू करते हैं, जुगाड़ू इंडिया। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और चढ़ा दिया कढ़ाई। और कढ़ाई इस तरीके की होनी चाहिए, थोड़ी गहराई वाली। तो इसमें हम डाल देंगे 2 कटोरी के करीब नमक। तो ये देखिए हमारा ओवन बनकर तैयार हो गया है। और अगर आप लोगों के पास स्टैंड हो तो वो रख दीजिए, नहीं है तो आप इस तरीके की कोई कटोरी भी रख सकते हैं। और इसे ढककर अच्छे से ढक देना है, बिल्कुल भी हवा नहीं निकलनी चाहिए। और 15 मिनट के लिए हीट होने के लिए छोड़ देंगे, फ्री हीट होने देंगे इसे मीडियम फ्लेम में। और यहाँ पे हम अपना बेस बनाकर तैयार कर लेंगे पिज्जा बेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा हमने डाल दिया है और एक मोटी सी लोई ले ली है। तो इसे हमें मोटा ही बेल कर तैयार करना है, बिल्कुल पिज्जा जैसा। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर हमने इसे बेल कर तैयार कर लिया है और मोटा ही बेलना है थोड़ा सा। तो इस तरीके से हमने बेस बनाकर तैयार कर लिया है और इसे किनारे किनारे से प्रेस करते जाएंगे थोड़ा, क्योंकि भाई पिज्जा लुक देना है बिल्कुल डोमिनोज वाला। तो ये देखिए हमने किनारे से इसे उंगलियों से प्रेस कर लिया और एक ले लेंगे फॉर्म और इसे हम इसमें छेद करते जाएंगे, क्योंकि ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के जस्ट फूल ना जाए तो इसे हम छेद कर लेंगे कई जगह पे। तो ये देखिए पिज्जा बेस बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। इसे हमें अलग से सेकने की जरूरत नहीं है, अलग से बनाकर रखने की जरूरत नहीं है, हम इसमें ही बना लेंगे और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है। तो हम इसमें अब लगा देंगे टोमेटो सॉस, अगर पिज्जा सॉस हो तो और अच्छा है, अगर नहीं है तो आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं इसमें। तो 2 से 3 चम्मच हमने टोमेटो सॉस डाल दिया है और इसे अच्छे से किनारों तक फैला लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे ले लिया है हमने घर का बना हुआ चीज़। तो चीज़ की भी रेसिपी हमने शेयर करी है, वो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने भर भर के चीज़ डाला है, क्योंकि भाई घर का है तो अच्छा तो बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पहले भी चीज़ डाल दिया और यहाँ पे ले ली है थोड़ी सी सब्जियाँ, शिमला मिर्च, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज। पिज्जा बेस को हमने एक स्टील की प्लेट में ले लिया है, क्योंकि हम स्टील की प्लेट में ही इसे बेक करेंगे। तो आप एक स्टील की प्लेट ले लीजिए जिसमें कि अच्छे से सेट हो जाए। तो और इसमें हम ऊपर से लगा देंगे थोड़ी सब्जियां, तो शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज हमने एक तरीके से सेट कर लिया है बिल्कुल पिज्जा लुक देने के लिए। और बस इसे अब बेक कर लेते हैं और बाकी चीजें भी डाल देते हैं। खाने में तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। और चलिए पिज्जा बनकर तैयार हो गया, तो इसे हम बेक कर लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो चलिए पिज्जा को फाइनल लुक देते हैं। तो यहाँ पे ले लेंगे हम रेड चिली फ्लेक्स, ये घर की बनी हुई है, बहुत ही सिंपल होता है बनाना। बस लाल मिर्च लीजिए, उन्हें धूप में सुखा लीजिए और मिक्सी में एक राउंड चला लीजिए, बन गई रेड चिली फ्लेक्स। तो ये देखिए हमने डाल दिया तीखा, आप अपने टेस्ट के अनुसार ही रखिएगा, बहुत ज्यादा तीखा पसंद हो तो बहुत ज्यादा तीखा, कम पसंद हो तो कम। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ऑरेगानो, तो ऑरेगानो डालने से बिल्कुल ही पिज्जा वाला टेस्ट आता है, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये डोमिनोज वाला नहीं है। और यहाँ पे डाल देंगे चीज, क्योंकि भाई घर में ही बनाया है तो भर भर के डालो, तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, भाई चीज का ही तो असली मजा है। तो इसमें भर भर के चीज डाल दिया, ऊपर से भी बहुत ही यम्मी लग रहा है। और यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुकी है अच्छे से, 15 मिनट के लिए हमने गर्म किया था। और यहाँ पे आप हम इसे अच्छे से सेट करके रख देंगे और बहुत ही सावधानी से रखिएगा, कोई कपड़ा हाथ में लगा लीजिएगा या ग्लव्स पहन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है, बहुत सावधानी से रखिएगा। और यहाँ पे हम इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ढककर पका लेंगे। और ढक्कन बहुत अच्छे से ढकना है, स्पेस नहीं रह जाना चाहिए बिल्कुल भी। और बीच बीच में चेक भी कर लेना कि पक गया है कि नहीं।
इसे हमें लो टू मीडियम में ही पकाना है 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए गैस हमने मीडियम कर दी है। देखो मामी से वेट नहीं हो रहा अभी, ना खोले दे रही। वाओ यार यम्मी, ये देखो है। यम्मी यम्मी पक रहा है, देखो ना बेक हो रहा है ना। वाओ वेट हो ही नहीं रहा इसे, बार बार खोल रही। तो कहना जुगाड़ नहीं दिया, ग्लास भी बना लिया हमने। ओ मन गया, मन गया, लग रहा है मन गया, बन गया, बन गया। निकाल ले थोड़ा और लगाना, जैसे ना चीज अभी मेल्ट तो हुआ है, हो गया, निकालो। अरे जद्दोजहद करते इसमें काटो, बादल लप लप वही छू लेते हैं। चुप्पू कु बाबा का वीडियो बोल दूँ। चलो वहां से चलते हैं, पीछे का पता हमको बता नहीं, वो पीछे देखो इनको खुशी का ठिकाना नहीं है। वो देखो उधर वीडियो कॉल कर रही, करें तब तक दिखाते हैं। हाँ यार दिखाने दो पहले, ए वीडियो कॉल कर मोटी रोटी बना रही है यार, पिज्जा के बना रहे हैं। और इधर और डाला होता ना, एक ही पैकेट है तो मिलता होगा ना इसे। पानी आ रहा है यार, बेस बेस का है, कह रहा है रोटी बना रही है, बना बेस बनाया है, रोटी का नहीं है, बेस रोटी है भैया मैदा की। आपको पलट के दिखाओ, ना मानो पलट के रखो, ना मानो तुम, ना मानो नहीं नहीं ना मानो। ये देखो दिखाते हैं, देखो मम्मी दिखा रही है, देखो पलट पलट, आप दिखा इनको पलट के दिखाओ, ये देखिए देखो कितना गोल्डन ब्राउन हुआ है, देखो तो सब लोग लो। चलो खाओ खाइए, खाओ खाओ। हमारे नाम का चाचा बता देना, चाचा अपने नाम का खा रहे हैं, तुम्हें नाम बता बना चाची बताएंगे।
थोड़ा दिया है। नहीं चाचू और है। ये देखो सब लोग खा रहे हैं। हाँ तो हमसे जरूर अभी आएंगे। इनको देखो पिज्जा खाना है, इनको रोटी वाला पिज्जा खाना है। उस दिन ज्यादा ही पसंद आ गया। और क्या? इधर से आओ, इधर दिख नहीं रहा। हमको रोटी वाला पिज्जा खाना है। टंकी पल्लो हंस रही है कि कहीं जाएंगे डोमिनोज में तो बोलेंगे भैया हमको रोटी वाला पिज्जा। भाई आप लोग वो मत समझना कि रोटी मतलब वैसा बोली, रोटी वाला रोटी में बनाया था उस दिन, जो बची हुई रोटी होती है उससे, तो वो बोले उसको अच्छा लगा।